दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने ऐप स्क्रिप्ट के जो कोड आप लिखते हैं, अगर उसमें कोई एरर आ जाती है तो उस एरर को आप हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए इस वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट में। और यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास देखिए दो सीट हैं और एक जो होता है यहाँ पे मतलब टैब है, डेटा वन, डेटा टू। और यहाँ पर इस सारे डेटा जो है यहाँ पर इसका जो था कंबाइन करना है, मतलब ये इन दोनों डेटा को कंबाइन करके हमें ये जो हमारा कंबाइंड डेटा वाला जो टैब है इसके अंदर लाना है। तो चलिए, इसके लिए हम अपने चलते हैं स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। और यहाँ पर एक्चुअली हमने कोड पहले से ही बना के रखा हुआ, ये कोई मतलब कोई बहुत बड़ा कोड नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल कोड है। एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसको बना लिया क्योंकि इससे थोड़ा सा टाइम जो होता है सेविंग हो जाएगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी अपने ऐप स्क्रिप्ट की सारी वीडियोज़ में बताई हुई हैं किस तरीके से हम एक सीट की डेटा दूसरे सीट में ले जा सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर किया हुआ है बेसिकली। अब यहाँ पर देखिए, एक हमने जो था गेट डेटा वन, इट मीन्स जो था अगर डेटा वन आप देखें तो ये डेटा वन है, मतलब हम यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं इसको हम कैप्चर करेंगे। और उसी तरीके से गेट डेटा टू लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो मतलब इसका ये है कि गेट डेटा टू की भी हम वैल्यू को कैप्चर करेंगे और दोनों जो होता है दोनों की डेटा को एक के नीचे एक ला देंगे। यही कोड है, चलिए मैं इसको एक बार आपको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये जो लाइन ऑफ कोड आप यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें SS नाम का हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, ये वेरिएबल बेसिकली क्या कर रहा है, ये सीट को एक्टिवेट कर रहा है जो कि हमारा डेटा वन है। और यहाँ से A1 से लेकर के D तक की जो वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं, अगर आप डेटा वन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि A1 से D तक की वैल्यू है और इसी डेटा को हमने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। फिर हमने क्या किया है, टारगेट सीट नाम का एक जो होता है यहाँ पे सीट को टारगेट किया है, जिसमें हम ये जो वैल्यू है डेटा नाम के वेरिएबल में जो मैंने स्टोर किया हुआ है इसको हम कंबाइंड डेटा नाम का जो हमने अभी आपको सीट दिखाया था इसके अंदर हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसको हम ले जाएंगे और यहाँ पर ले जाने के लिए हमने पहले इस सीट को टारगेट किया है गेट सीट बाई नेम मेथड से, और देन हमने सिंपली यही टारगेट सीट डॉट गेट रेंज और कहाँ किस रो से किस कॉलम से और कितना मतलब डेटा को हमें पेस्ट करना है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सेट वैल्यूज डेटा। इस तरीके से हमने यहाँ पे डेटा को पेस्ट किया हुआ है। अब मैं एक्चुअली एक चीज़ आपको बताऊँ कि अगर मान लीजिए किसी तरीके की एरर आती है, जैसे सपोज़ अभी मैंने यहाँ पे डेटा वन लिखा हुआ है, यहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, देखिए सीट का नाम डेटा वन है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पर गेट डेटा टू भी लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये फंक्शन रन हो, मैं ये चाहता हूँ कि गेट डेटा वन जब रन हो तो जब ये मतलब फंक्शन रन हो जाने के बाद मेरा गेट डेटा टू की जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वो भी रन हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये फंक्शन यहाँ पे मैं मेरा जो होता रन हो तो मैं दूसरा फंक्शन रन कराना चाहता हूँ जो कि गेट डेटा टू है, मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। ये सारी चीज़ें मैंने ऐप स्क्रिप्ट की सारी अपनी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ये क्या है, ये एक मेथड है, जैसे ये फंक्शन जो होता है यहाँ पे रन होगा ये पूरे जब अपने लाइन ऑफ कोड को रीड कर लेगा उसके बाद ये गेट डेटा टू को देखेगा, यहाँ पे मैंने इस तरीके का ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस किया हुआ है इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है, और ये फंक्शन जैसे ही इसको मिलेगा तो ये नीचे यहाँ चेक करेगा क्या ये फंक्शन डिफाइन है। तो ये जैसे ही डिफाइन होगा तो ये जो कुछ भी हमने डिफाइन किया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, ये हमने चीज़ यहाँ पर कर दिया। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर जो भी कोड हमने लिखा हुआ इसमें कहीं भी एरर आ जाती है, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे डेटा वन नाम का जो सीट है मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डेटा वन को डेटा कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर डेटा वन यहाँ पे है, डेटा टू लिखा हुआ लेकिन डेटा नाम का कुछ भी सीट नहीं है। अगर मैं इस तरीके से अगर मान लीजिए, ये तो मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ ये इस तरीके का, लेकिन आपके कोड में हो सकता है कुछ भी किसी भी तरीके की एरर आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जब एरर आएगा तो वहीं पर वो कोड स्टॉप हो जाता है, वो रन नहीं करता है। एग्जांपल के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों जो कोड हैं ये क्या कर रहे हैं, पहले गेट डेटा वन की जो वैल्यू है वो मैं कंबाइन सीट में ले जा रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जो दूसरा जो गेट डेटा टू की जो वैल्यूज़ हैं उसको भी मैं कंबाइन सीट के अंदर ले जा रहा हूँ, वो मैंने इस तरीके से ले जा रहा हूँ कि वहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि जब गेट डेटा वन पेस्ट हो जाए तो वहाँ पर कितने लाइन ऑफ रो
जो था डेटा है उसको चेक कर, मतलब डेटा की लेंथ को हम चेक करेंगे कि कंबाइन सीट में कितना डेटा है। अगर उसकी लास्ट रो जब फाइंड आउट करके उस बाकी उसके नीचे हम सारी डेटा को पेस्ट करवाने वाले हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं अगर गेट डेटा वन को रीड करता हूँ, मतलब रन करूँगा, तो गेट डेटा वन के रन हो जाने के बाद गेट डेटा टू रीड होनी चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ और ये जब ये रीड हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी गेट रेंज ऑफ नल। अब मैं वापस से अगर यहाँ पे जाऊँ, चूँकि हमें कंबाइन वाला कंबाइन करना था, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी आया नहीं, क्योंकि ये जैसे ही मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब ये गया हुआ तो डेटा नाम की जब उसको सीट नहीं मिली, तो जब सीट ही नहीं मिलेगा तो उसको वहाँ पर रेंज भी फाइंड आउट नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे हमें एरर आ गई और इस एरर की वजह से हमारा जो दूसरा जो कोड था वो रन नहीं हुआ, क्योंकि यहीं पर जब कोड में एरर आ गई। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर एरर आ जाएगा तो आपका फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आपको किसी भी तरीके की एरर आ जाती है तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि ये जो फंक्शन आपने लिखा हुआ है उस फंक्शन के सबसे टॉप पे आपको लिखना पड़ेगा ट्राई। ट्राई भी एक तरीके का मेथड है, मतलब ये कहेगा, ये इसका मतलब ये होता है कि आप जो यहाँ पे ट्राई, पहले आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर लीजिए। तो ट्राई का मतलब ये होता है कि आप जो भी ट्राई के अंदर जो कुछ भी फंक्शन आप जो होता है एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वो उसे ट्राई करेगा रन कराने की। अगर वहाँ पे रन नहीं होगा तो वो एक एरर थ्रो करता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल करें। पहले आपने लिखा ट्राई, ट्राई में आपने जब तक कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर लिया और यहीं कर्ली ब्रैकेट को नीचे कर लीजिए और जितना भी कोड अभी आपने लिखा हुआ, ये जो कोड है, इस कोड को आप इसे ट्राई के अंदर डाल दीजिए यहाँ पर ऐसे, ये रहा। अब इसका मतलब ये होगा कि जब ये फंक्शन हम यहाँ पर रन कराएंगे तो पहले ये फंक्शन को, ये जो ट्राई मेथड है इसको रन कराने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर एरर आती है तो ये जो होता है यहाँ पर चला जाएगा जो दूसरा मेथड है हमारा कैच। मतलब कैच क्या करेगा कि कैच हमें बताएगा कि ये किस कारण से ये कोड रन नहीं हो रहा है अगर किसी तरीके की एरर आती है। तो कैच के अंदर हम एक जो था पैरामीटर पास करते हैं ई। ई बेसिकली क्या है, एक तरीके का इवेंट है। तो हम यहाँ पे ई से जो होता है किस तरीके क्या एरर आ रही है वो हम चेक करवा सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ई या इवेंट भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो यहाँ पे अभी देखिए कैच मैंने लिखा, पहले मैंने ट्राई लिखा, ये एकदम पैरेंथेसिस, आप ध्यान से देख लीजिए, ट्राई मैंने लिखा, ट्राई की ये देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट है और इसके अंदर जो कुछ भी फंक्शन था मैंने डाल दिया और जैसे ये पैरेंथेसिस क्लोज हो रही है उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कैच। कैच का मतलब ये होगा कि जो कुछ भी एरर होगा वो इसके अंदर कैच हो जाएगी और इस कैच को अगर आप जो होता है इसमें क्या एरर आ रहा है, एक्चुअली ये क्या एरर हमें शो कर रहा है वो हम इस कैच से ही पता कर सकते हैं। कैसे, उसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लॉगर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगर डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देता हूँ ई डॉट मैसेज। ये देखिए जैसे मैंने लिखा ई डॉट मैसेज, मैं इसको पहले यहाँ पे ये जो फंक्शन है मैं पहले इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और उसके बाद मैं गेट डेटा वन को एक बार रीड करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक्चुअली एरर क्या थ्रो करता है। देखिए कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी गेट रेंज ऑफ नल, जो अभी हमें पहले ही मिल रहा था। अब क्या होगा कि जब ये इस तरीके का एरर आया तो हमारा जो था जो सेकेंड नंबर ऑफ कोड था वो रन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने यहाँ ट्राई लिखा और कैच को इस तरीके से यहाँ कर दिया तो अगर मैं इसको जो होता है यहाँ से कमेंट आउट कर दूँ, मतलब यहाँ से कमेंट को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं सेव कर दूँ, अगर यदि यहाँ पे मैं इसको सेव करूँ, मैं देखिए गेट डेटा वन को रन कराता हूँ और उससे पहले भी मैं अपने सीट को दिखाता हूँ। देखिए कंबाइंड डेटा में कुछ भी वैल्यू नहीं है और मैं अब आपको रन करा के चेक कराता हूँ और ये देखिए यहाँ पे सारे जो फंक्शन थे जो गेट डेटा टू का वो रन हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने गेट डेटा वन को ही रन कराया और यहाँ पर मैंने ट्राई और कैच मेथड का इस्तेमाल किया तो हमारा क्या हुआ, अगर इसमें एरर होने के बावजूद भी हमारा ये जो सेकंड जो होता है जो फंक्शन है वो रन हो चुका है। और मैं वापस अपने कंबाइन सीट के अंदर जाऊँ तो ये देखिए वो डेटा भी यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो होता है अगर किसी भी तरीके की एरर अगर आपको आती है उसके बावजूद भी यदि आप किसी तरीके का जो होता है दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप ट्राई और कैच मेथड से ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। यदि आप जैसे कि यहाँ पर चूँकि हमारे पास एक यहाँ पर एक फंक्शन है और उसके बाद यहाँ पर दूसरा फंक्शन है, सपोज़ ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो होता है इसके बाद आप भी मान लीजिए ये जो दूसरा फंक्शन है उसके बाद भी आप कोई जो होता है तीसरा फंक्शन भी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जो कि इस फंक्शन के बाद रन होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर
ट्राई का इस्तेमाल कर लेना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इस फंक्शन में किसी भी तरीके की एरर आएगी तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे कोड आपकी रुकेगी नहीं, वो दूसरे वाले जो फंक्शन आपने यहाँ डिफाइन किया होगा वो रन हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे बस ट्राई और कैच मेथड का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हमने ट्राई लिख दिया और ट्राई के कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारी जो फंक्शंस हमने लिखी हुई थी, जो भी सिंटैक्स हमने लिखा हुआ था कोड का, वो इस ट्राई के अंदर डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर ट्राई का जो था क्लोजिंग हो रहा है वहाँ पर हमने कैच लिखा और कैच में हमने एक पैरामीटर पास कर दिया ई, और ई बेसिकली एक तरीके का इवेंट है, और इसको आप ई या ई वी ई एन टी भी लिख सकते हैं, मतलब इवेंट भी लिख सकते हैं। और ये किस तरीके का, अगर आप एरर चेक करना चाहते हैं कि इसमें क्या एरर आ रही है, तो यहाँ पर आप सिंपली लॉगर डॉट लॉग और यहाँ पर ई डॉट मैसेज करके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो होता है ट्राई और कैच मेथड का इस्तेमाल करके अपने एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।